तिलाई में रॉयल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। कई वर्षों से लगातार हो रहा रॉयल कबड्डी प्रतियोगिता का सफल आयोजन। प्रतियोगिता शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि अमित द्विवेदी, कांग्रेस प्रदेश सचिव द्वारा दीप प्रज्वलन कर कबड्डी खेल की शुरुआत की गई। मैच शुरू होने के पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम व स्वागत गीत के उपरांत सभी खिलाड़ियों का परिचय हुआ। अमित द्विवेदी प्रदेश सचिव ने कहा कि खेल खेलने से तन मन स्वस्थ रहता है व शरीर विकास होता है। इस शुभारंभ अवसर पर पहला मैच बरुहा व नौगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें नौगढ़ की टीम विजेता रही। दूसरा मैच निगाही व तेलाई के बीच में खेला गया, जिसमें निगाही की टीम विजयी रही। तीसरा मैच तेलाई और बरोहा के बीच खेला गया, जिसमें तेलाई की टीम विजयी रही। उक्त अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कार्यवाहक अध्यक्ष रामाशंकर शुक्ला, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कृष्णा शर्मा, रामसकल शर्मा, अखिलेश पांडे, जिलाध्यक्ष सचिन दुबे, अतुल सिंह, आशीष शर्मा, श्यामाचरण शर्मा, कृष्णदेव शर्मा, धीरेन्द्र शर्मा, अनुकलाल शर्मा, श्याम कुमार शर्मा, संदीप शर्मा, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।